वो मासूम है, कुछ बोल नहीं सकता। हम देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ये बच्चा शायद कुपोषण का शिकार है। आपको पता है बिहार में कुपोषण का दर 8.8% है, लगभग 1.5 मिलियन बच्चे, और पूर्णिया जिले में 8%, लगभग 48,000 बच्चे। कुपोषण के गंभीर समस्या के मद्देनजर पूर्णिया जिले में सामुदायिक सहयोग से स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं यूनिसेफ के सहयोग से संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पूर्णिया के नगर प्रखंड में 7 दिसंबर 2018 से की गई। यूनिसेफ एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के सहयोग से कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ। पूर्णिया के NIC के द्वारा एक डिजिटल ऐप बनाया गया जिसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन हाइट, वेट, एज डालने से यह आसानी से पता चल जाता है कि बच्चे का कुपोषण किस स्तर का है। अगर बच्चा ग्रीन जोन में है तो सामान्य है, अगर बच्चा रेड जोन में है तो अति गंभीर है, येलो जोन में है तो मध्यम गंभीर है। कार्यक्रम से जुड़े सेविकाओं को ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। ऐप के माध्यम से कुपोषित बच्चों को निरंतर ध्यान में रखा जाता है और बच्चे को कुपोषण से बाहर आने तक ध्यान में रखा जाता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संवर्धन कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 10 बिंदुओं पर लगातार फॉलोअप किया गया। ये 10 बिंदु में सबसे पहले कुपोषण की पहचान की जाती है जो इस डिजिटल ऐप के बिना असंभव। कुपोषण की पहचान के बाद उसकी चिकित्सीय जांच, भूख की जांच, अति गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के तरीके को अपनाना, पोषण चिकित्सा, दवाइयां, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, संवर्धन कार्यक्रम के दौरान पोषण निगरानी, संवर्धन कार्यक्रम से छुट्टी देने की प्रक्रिया और संवर्धन कार्यक्रम से छुट्टी देने के बाद उसका फॉलोअप करना। ये बच्चा राजवीर है, कुपोषित था, संवर्धन कार्यक्रम से चिकित्सीय जांच की गई, निरंतर देखभाल किया गया, सामुदायिक स्तर पर देखभाल किया गया। संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से सभी तरह की सुविधाएं दी गई। आज ये बच्चा कुपोषण से बाहर है। रात का सुतवे रही है, 5-6 बार दूध पिलावे रही है, 5-6 बार जब पिलवे रही है तो उठ के गोदी में ला के तब पिलवे, सुत के नहीं पिलावे रही। आवे रहे हफ्ता में 2-3 बार मैडम सनी बतवे रहे, जना जना बतरो नाना करे रही है, मैडम सनी के बात मान लिए तब बच्चा पोसल गए। और जे खाना पीना करे खिलल उलू खिलवे रही है, जब 6 महीना के भले तब अपने बच्चा खाए तो हम खिलवे रही है। तो 6 महीने के बाद क्या क्या खिलवे रही? दाल भात, खीर, अंडा, दूध रोटी, हलवा, सब कुछ खिले। अच्छा, और दिन भर में कितने बार दूध पिलाते थे आप उसको या रात में पिलाते थे? 8-9 बार दिन में। 8-9 बार पीवे नहीं करेगा, कम सम पिए रहे। और रात में पिलाते थे कि नहीं? पिलावे रात में कई बार पिलाते? 5-6 बार 7 बार उठ कर कनी कनी पिए रहे, कनी कनी पिलवे रही। अच्छा, और उसके अलावा भी कुछ करते थे दूध पिलाने? सीना में सटक रखे रही। अच्छा, दिन को कर दादा दादी सब रखे रहे, पूरा फैमिली, रात का हम अकेला रखे रही। रात में आप रखते थे, तो उससे कोई फायदा आपको समझ में आया? हाँ, सीना में लगा के रखने से हमारे गर्मी जा रहे छाती में, हमारे छाती गर्म देह में जा रहे, तो गर्मी आ रही देह में। हाँ, तो उससे क्या उसका मतलब वजन में कुछ अंतर है? वजन बढ़े, वजन बढ़े। तो आपको मतलब इससे लगता है कि इस प्रोग्राम में आपके बच्चे को देखा गया, आप इससे जुड़ी, तो आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसा लगा? फायदा भले। अभी आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी आपको पता है इसका कितना वजन है, कितना किलो का हो गया? 9 किलो 800। 9 किलो 800, तो यह एक अच्छा वजन है। 1.5 साल का बच्चा है, 9 किलो 800 का है। तो जिस समय बच्चे को देखने के लिए आए थे तो बच्चा बहुत कमजोर था, तो उसके देखे कार्ड पे तो 1 kg 700 कुछ ग्राम का बच्चा लिखा हुआ था, तो हमने देखा कि बच्चा बहुत कमजोर है। उसके फिर हमने वजन लिया और इसको जो हम लोग सीनियम का जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं
उस आधार पर बच्चे को देखे बच्चा सेम में मतलब लाल में आ रहा है हम लोग का, लाल हम लोग सेम कहते हैं। वो आया तो उनकी मम्मी को बताएं कि आप जो है कंगारू मदर केयर, हम लोग का ट्रेनिंग लिए हुए थे, कंगारू मदर केयर उनको दीजिए। तो कैसे, तो वो अपने मतलब सीना से सटा के अपना और बच्चे का सटा के देने के लिए कहें। बोले घर का किसी परिवार जो है आप लोग किसी भी दे सकते, लेकिन बशर्ते साफ सुथरा होना चाहिए। बताएं उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि दूध पिलाने के भी सेम बताएं कि बार बार उसको जो स्तनपान आप कराइए और बच्चे को साफ सुथरा रखिएगा और गंदा हाथ से किसी को छूने उने मत दीजिएगा। तो वो बार बार हमने आके बताया। ऐसे तो 15 दिन पर फॉलोअप करते, लेकिन 6 दिन पर 7 दिन पर सप्ताह में आके फॉलोअप इनका करना देखना पड़ रहा था। तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग में तो बच्चे का जो है देखे तो बच्चा धीरे धीरे वजन बच्चे का बढ़ने लगा। तो उसके बाद जो फिर दीदी लोग आई तो उनसे देखे तो बोली दीदी कि नहीं इनका वजन उस तरह से नहीं बढ़ रहा जैसा बढ़ना चाहिए, तो इनको जो रेफर किया गया NRC जी। तो बच्चे पे ध्यान दी तो बच्चा हमारा अच्छा एकदम होने लगा। मोबाइल ऐप पर हमारा संवर्धन ऐप एक आया हुआ था, उस पर हमने बच्चे का वजन और लंबा समय सर हम लोग उसका बच्चे का लंबाई नहीं लेते थे, सिर्फ वजन मतलब ही लेके उसका हम लोग सेम नेम निकाल रहे थे। उस ऐप पर हमने चढ़ाया और उसका बच्चे का जो है हम लोग के पास एक कार्ड है सेम का कार्ड, उसमें हम लोग उसका हर फॉलो अप लिखते थे और बच्चा हमारा बहुत अच्छा बनकर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड भी किया। हमारी DPO मैडम आई थी, उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा अभी हमारा बहुत अच्छा है। पूर्णिया के समुदाय में अब कुपोषण का भय कम हुआ है। कहते हैं ना, संवर्धन है अपना, फिर कुपोषण से क्यों डरना।